दानिश ने कॉल कट कर दिया तो वहीं अंतरा दानिश के मुंह से पैलेस जाने की बात सुनकर खुशी के साथ बोली, क्या कहा आपने? माँ ने मुझे माफ कर दिया, वो मुझे वापस बुला रही है घर। दानिश उसकी बात पर उसे घूरते हुए बोला, मुझे ये नहीं पता, पर उन्होंने वापस घर बुलाया है। और हाँ, उन्होंने मुझे कोई घर से नहीं निकाला था, वो तो मैं खुद तुम्हें यहाँ लेकर आया था। ये कहकर दानिश फिर बिना अंतरा को कुछ बोलने का मौका दिए उसके होठों को अपने होठों से बंद करते हुए उसे किस करने लगा। कुछ देर बाद दानिश उसके होठों से सेटिस्फाइड होते हुए उसे बेड पर छोड़कर उठ गया। वहीं अंतरा अपने लाल पड़ चुके होठों को सहलाते हुए दानिश को गुस्से से घूरने लगी और दानिश टेढ़ी स्माइल करते हुए वॉशरूम में चला गया। वहीं अंतरा खींचते हुए खुद से बोली, एक खूनी प्यासे वैम्पायर हो आप, जिसे मेरा खून पीना आता है। फिर अंतरा ये जानकर काफी ज्यादा खुश हो गई कि वो वापस से घर जा रही थी। वो चहकते हुए बेड से उठी और दूसरे रूम वाले वॉशरूम में चली गई। कुछ देर बाद दानिश डार्क ग्रे कलर के आउटफिट में रेडी होकर नीचे हॉल में लगे सोफे पर बैठा था और कॉफी का सिप लेते हुए टैब में कुछ आर्टिकल्स देख रहा था। उसके चेहरे पर इस वक्त कोई भाव नहीं था। तभी अंतरा व्हाइट कलर की ड्रेस में रेडी होकर नीचे आई और दानिश को घूरते हुए सीधे उसके जस्ट सामने आकर खड़ी हो गई। तभी दानिश बिना उसे देखे बोला, क्या तुम मेरे सर पर चढ़ने की कोशिश कर रही हो सिली गर्ल? अंतरा उसकी बात सुनकर अपनी आंखें छोटी करते हुए बोली, शौक नहीं मुझे आपके सर पर चढ़ने का, मैं तो ये कह रही थी कि मैं रेडी हूँ, अब जल्दी चलिए पैलेस। दानिश उसकी बात सुनकर उसे नीचे से ऊपर तक घूर कर देखते हुए बोला, तुम इन कपड़ों में अपने ससुराल जाओगी? अंतरा ने बेफिक्री में जवाब दिया, हाँ तो बुराई क्या है इन कपड़ों में, ये कहकर वो भी खुद को देखने लगी। तभी दानिश उसके माथे को घूरते हुए तेज आवाज में बोला, और तुम्हारा सिंदूर कहाँ गया? अंतरा उसे मुंह बनाकर देखते हुए अपने बालों को थोड़ा पीछे करके दिखाते हुए बोली, ध्यान से देखिए दानिश, शायद यहीं कहीं होगा। इस बात पर दानिश उसे बुरी तरह घूरते हुए बोला, What the hell? ये क्या कह रही हो तुम? मैंने तो कल बहुत सारा लगाया था ना तुम्हारी मांग में, और अब तो एकदम थोड़ा सा ही मुझे दिख रहा है। अंतरा उसकी बात सुनकर भोली सी शक्ल बनाते हुए बोली, अच्छा ओ शायद मैंने शावर लिया था तो सारा धुल गया होगा, पर फिर मैंने देखो काम भर का लगा लिया है, आप जल्दी नहीं मरोगे, इतना भरोसा रखिए मेरे ऊपर। ये सुनकर दानिश ने गहरी सांस ली और अपना टैब वहीं काउच पर फेंकते हुए अपनी जगह से उठा और अंतरा का हाथ पकड़ते हुए उसे सीधे वापस रूम में ले गया। करीब आधे घंटे बाद रूम का दरवाजा खुला और दानिश टेढ़ी स्माइल करते हुए अंतरा का हाथ पकड़े रूम से बाहर निकला। अंतरा का मुंह बना हुआ था और वो अपने आप को ऊपर से नीचे तक घूर रही थी। उसका लुक पूरी तरह चेंज हो चुका था। उसने इस समय एक डार्क रेड कलर की डायमंड शेड साड़ी पहन रखी थी जिस पर नेटेड क्रॉप स्लीव ब्लाउज था जो कि ब्लाउज नॉट पर टिकी थी और अंतरा के सिल्की बाल पूरे खुले हुए थे। उसकी सीधी मांग में ढेर सारा सिंदूर भरा था और गले में मंगलसूत्र था। अंतरा बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसका चेहरा पहले से ज्यादा ग्लो करने लगा था। दानिश ने उसे नीचे ले जाकर पहले उसे नाश्ता करवाया। अंतरा ने उसे सारा टाइम घूरा और फिर दानिश उसका हाथ पकड़कर बंगले से बाहर ले आया और उसे कार में बैठाया। अंतरा पैलेस जा रही थी जिस वजह से वो काफी अब खुश लग रही थी। दानिश भी उसके साइड में बैठ गया और ड्राइवर ने कार स्टार्ट करके सीधे ओबेरॉय पैलेस के लिए मोड़ लिया। ओबेरॉय पैलेस। कुछ ही देर में कार सीधे पैलेस के बाहर आकर रुकी और कार ड्राइवर ने बाहर निकलकर गेट खोला और दानिश ब्लैक शेड अपने आंखों पर लगाए रॉब में अंतरा का हाथ पकड़े बाहर आया। अंतरा का दिल थोड़ा घबरा रहा था अंदर जाने में, जिस वजह से उसने दानिश के हाथ को कस कर पकड़ लिया और दानिश के साथ चलने लगी। वहीं दानिश के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वहीं अंतरा के होंठ बिल्कुल लाल थे और चेहरा भी लाल था। अंतरा मन ही मन दानिश को कोस रही थी क्योंकि दानिश ने पूरे रास्ते उसे किस किया था जब तक कि कार पैलेस के बाहर आकर नहीं रुकी, तभी जाकर दानिश ने उसके होंठों को छोड़ा था। तभी दानिश भावहीन आवाज में बोला, डोंट थिंक टू मच सिली गर्ल, नेक्स्ट टाइम मैं इससे भी ज्यादा देर तक तुम्हें किस करके सेटिस्फाइड करूंगा। अंतरा उसकी ये बात सुनकर और भी ज्यादा लाल हो गई और दानिश को घूरने लगी तो दानिश भी उसे हल्के से स्माइल करते हुए देखने लगा। तब तक वो दोनों पैलेस के गेट के बाहर आ चुके थे और दानिश जैसे ही अंतरा को लेकर अंदर जाने को हुआ तभी उन्हें बिपाशा जी की आवाज आई जो कह रही थी, वहीं रुको तुम दोनों।
ये सुनकर अंतरा मायूसी में दानिश की तरफ देखने लगी तो दानिश सामने बिपाशा जी को देखने लगा। अंतरा भी उसी तरफ देखने लगी तो वहाँ बिपाशा जी अपने हाथों में पूजा की थाली लिए उन दोनों की तरफ आ रही थी और उनके पीछे कुछ सर्वेंट अपने हाथों में थाल लेकर आ रहे थे। अंतरा वो सब हैरानी में देख रही थी। दानिश अपने शेड उतारते हुए उन्हें देखने लगा। तभी बिपाशा जी ने दानिश और अंतरा से कहा, तुम दोनों की नजर में रीति रिवाज मायने नहीं रखते होंगे, पर हमारे खानदान में ये सब बहुत मायने रखता है, इसलिए जैसा जैसा मैं कह रही हूँ वैसा वैसा करो। उनके लहजे में आज खुशी झलक रही थी। वहीं अंतरा उनकी बात सुनकर प्यारी सी स्माइल करते हुए अपना सर हाँ में हिला देती है। बिपाशा जी ने उन दोनों की पहले आरती की और फिर एक चावल का कलश चौखट पर रख कर अंतरा से बोली, इसे गिराकर घर में कदम रखो। अंतरा कंफ्यूजन में एक बार दानिश को देखती है और फिर बिपाशा जी से धीरे से बोली, माँ कौन से पैर से गिराकर अंदर आना है? उसकी बात सुनकर बिपाशा जी बोली, अपने दाएं पैर से। अंतरा तुरंत हाँ में सर हिलाकर धीरे से कलश को गिराती है और फिर वहाँ रखे आलता की थाल में पैर डालकर धीरे धीरे अंदर आई। बिपाशा और देविका जी के चेहरे पर ना दिखने वाली बड़ी सी मुस्कान थी। देविका जी तो अंतरा को दानिश के साथ ही देखना चाहती थी। वहीं अंतरा अंदर आकर खड़ी हो गई तो फिर दानिश ऊपर रूम की तरफ जाते हुए बोला, I want coffee। ये कहकर दानिश वहाँ से सीधे ऊपर थर्ड फ्लोर पर चला गया। वहीं अंतरा उसे घूरती रह गई, जिसके बाद फिर उसने कुछ सोचा और जल्दी से बिपाशा और देविका जी से बोली, मुझे माफ कर दीजिए, अब से मैं कोई गलती नहीं करूंगी। ये सब जो हुआ उसके लिए सच में मुझे बहुत हर्ट हुआ और मैं प्रॉमिस करती हूँ आगे से आप सबको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। वहाँ इस वक्त सिर्फ बिपाशा और देविका जी ही थे। परितोष जी ध्रुव के साथ ऑफिस गए हुए थे तो वहीं शिशिर जी ऑफिस के ही काम से आउट ऑफ इंडिया गए थे। अंतरा को अब इस घर में काफी अजीब लग रहा था क्योंकि पहले वो यहाँ बेटी बनकर रहती थी, पर अचानक से ऐसे बहू बन जाना उसके लिए थोड़ा मुश्किल था। पर वो खुद को अब उसी तरह ढालने की कोशिश करने लगी। वहीं देविका और बिपाशा जी के साथ बाकी सभी को अंतरा और दानिश के रिश्ते से अब धीरे धीरे कोई एतराज नहीं था। जबकि देविका जी खुशी से अपने गले में पहनी महंगी चेन को उतार कर अंतरा के हाथों पर रखते हुए बोली, अब तुम बेटी नहीं मेरी बहू बनकर यहाँ पूरे हक से रहोगी, पर प्यार तुम्हें यहाँ बहू के जैसे नहीं बल्कि बेटी के जैसे ही किया जाएगा। वहीं अंतरा के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई और वो धीरे से बोली, शुक्रिया दादी, पर इसकी जरूरत नहीं है। तभी देविका जी ने उसे आंखें दिखाई, जिसे देखकर अंतरा ने फिर कुछ नहीं कहा और चुप हो गई। जिसके बाद देविका जी बिपाशा के साथ वहां से कुछ बात करते हुए चली गईं। वहीं एक नौकर से बिपाशा जी ने दानिश को कॉफी देने के लिए कह दिया था, जिससे अंतरा भी सुकून की सांस लेने लगी क्योंकि कुछ दिनों से वो दानिश से पूरी तरह परेशान हो चुकी थी। अंतरा अभी सुकून की सांस ले ही रही थी कि उसके फोन में किसी का मैसेज आया। अंतरा ने फोन चेक किया और जैसे ही उसने मैसेज पढ़ा उसका मुंह बन गया, जो कि दानिश का मैसेज था और उसमें लिखा था, तुम्हें अपनी वाइफ की ड्यूटी निभानी चाहिए सिली गर्ल, इसलिए चुपचाप कॉफी लेकर तुम रूम में आओ, वरना पिछली बार जो हुआ था उसे याद कर लेना। अंतरा घूर घूर कर उस मैसेज को देख रही थी और फिर वो पैर पटक कर किचन की तरफ जाते हुए बोली, मेरा बस चले तो मैं जहर मिला दूं इनकी कॉफी में, ये इंसान कभी नहीं सुधर सकते। ये कहते हुए अंतरा फिर खुद ही कॉफी बनाने लगी और उसे मग में लेकर सीधे थर्ड फ्लोर पर दानिश के रूम में चली गई। रूम का गेट ओपन था तो अंतरा अंदर चली गई। दानिश उस वक्त ऑफिस के लिए रेडी हो चुका था और वो अपनी वॉच पहन रहा था। वहीं अंतरा दानिश को एक टक देखने लगी। दानिश उसे ऑफिस सूट में और भी हैंडसम लग रहा था। पर तभी अंतरा को कुछ याद आया और वो कॉफी टेबल पर रखते हुए बोली, ये रही आपकी कॉफी दानिश, और मुझे आपसे ये पूछना था कि क्या आपने मेरे अनाथालय के बच्चों को छोड़ दिया और मेरे बाबा को भी। दानिश अपनी टाई की नॉट को कसते हुए बिना इमोशन बोला, मैं अपनी बातों से पीछे नहीं हटता, जैसा कि मैंने बोला था तुम मेरी हो जाओ मैं उन्हें छोड़ दूंगा, तो मैंने उन्हें छोड़ दिया और वो सब ठीक है, तुम्हारे सो कॉल्ड बाबा भी। ये सुनकर अंतरा की सांस में सांस आई और फिर तभी अंतरा दानिश को घूरते हुए बोली, और एक बात, आगे से मुझ पर अपना ऑर्डर मत चलाइएगा दानिश। दानिश ये सुनकर उसकी तरफ मुड़ा और उसे घूर कर देखते हुए बोला, डोंट एवर से दिस,
Now you are my wife, तो तुम्हें अब मेरी बातें माननी पड़ेंगी। ये सुनकर अंतरा अपनी कमर पर हाथ रखते हुए बोली, Oh really, दानिश? तो सारे हक सिर्फ पति को ही क्यों मिले? आप भी मेरे पति बने हैं, तो आपको भी मेरी सारी बातें माननी पड़ेंगी। समझे आप? दानिश अंतरा की इस बात को पूरी तरह इग्नोर करते हुए अपनी कॉफी पीते हुए बोला, By the way, तुम्हारा सारा सामान मैंने रूम में ऑलरेडी शिफ्ट करवा दिया है, सो अब से तुम यहीं मेरे साथ इसी रूम में रहोगी और अब मेरे साथ एक ही बेड पर सोगी, क्लियर? अंतरा ये सुनकर अपनी आंखें बड़ी करते हुए बोली, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मुझे आपके साथ यहाँ ऐसे डरावने कमरे में नहीं रहना जहाँ की हर चीज डार्क हो और ऐसे बिना कपड़ों के जहाँ तस्वीरें हो आपकी। जिसे सुनकर दानिश उसे इमोशनलेस आवाज में बोला, मैं उस फोटो में शर्टलेस हूँ, ना कि बिना कपड़ों के, और डार्क चीजों में रहने से मुझे सुकून मिलता है, और अगर तुम इसी वजह से यहाँ नहीं रुक रही तो मैं इस रूम का थीम तुम्हारे अकॉर्डिंग चेंज करवा सकता हूँ, फिर तो मेरे साथ रहोगी, राइट? दानिश ने अपना फैसला सुनाकर कॉफी मग टेबल पर रखा और फिर अपने फोन को लेकर अंतरा के माथे पर एक किस करके रूम से बाहर निकल गया। अंतरा तो बस ऐसी ही खड़ी रह गई और चारों तरफ रूम को घूरने लगी। तभी उसकी नजर एक बार फिर दानिश की शर्टलेस फोटो पर गई और उसका चेहरा वापस से लाल हो गया। अंतरा फिर गहरी सांस लेते हुए खुद से बोली, नहीं, मैं इन्हें देखकर सीरियस नहीं हो सकती, दानिश बुरे इंसान है बस। हाँ अंतरा, खुद को तुम कंट्रोल करो। अंतरा ने खुद को कंट्रोल किया और तभी उसके फोन पर किसी का मैसेज आया, जिसे देखकर अंतरा कुछ सोचकर रूम से बाहर निकल गई और सीधे अपने रूम में आई और सबसे पहले अपने कपड़े चेंज किए और फिर अपना बैग लेकर नीचे आई। उसने बिपाशा जी को वहाँ देखा तो उसने प्यार से उनसे कहा, माँ मैं कॉलेज जा रही हूँ, मुझे कुछ काम है। बिपाशा जी उसे देखते हुए बस अपना सर हाँ में हिला देती हैं। अंतरा फिर पैलेस से बाहर निकल गई। किसका मैसेज आया अंतरा के पास? क्या पढ़ने वाली है वो किसी मुसीबत